एवरीवन, राधे राधे। हेलो करो मैडम। हेलो राधे राधे, क्या हाल है? हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सोचा कि तीन चार दिन से जो है भाई जी के ही ब्लॉग्स चल रहे हैं, यूएसए की वीडियोस आ रही हैं और आप सभी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं उन्हें, बहुत अच्छे अच्छे जो है उन्हें मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, सजेशंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही नहीं है उनकी फैमिली जो उनके केयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, पूरी यूट्यूब फैमिली जो है उनसे बहुत प्यार करती है, आज पता चला क्यों। तो हम दोनों ने सोचा कि तीन चार दिन से आप सभी जो है उन्हीं को देख रहे हैं और छोटी की जो वीडियो हमने रिवील की, जो गुड न्यूज आप सभी से शेयर की, उसके बाद छोटी को गायब कर दिया। उसके बाद उनका हुआ क्या कि उनका जाना हो गया, तो वो वहां से वीडियोस डाल रहे हैं। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम भी बातें शातें कर लेते हैं बीच में, भाई याद दिला दे कि हम भी हैं, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलके, उनको देख के, वो वहाँ पे बिना तवे के रोटियाँ बना रहे हैं, हमारी चोखा बना रहे हैं। हमारी अभी शाम हो रही है, हाँ दाल नहीं सिर्फ दाल चावल बनाया था। हमारे यहाँ अभी 9 बज रहे हैं तो उनके यहाँ अभी दोपहर के 2 बज रहे होंगे, नहीं 9 से 9 और 11 सुबह के 11 बज रहे होंगे, हाँ ये सही मैंने बोला है, सुबह के 11 बज रहे होंगे वहाँ पे। शाम के टाइम जब हम चाय पी रहे थे तो वो नहा धो के निकले थे और ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे, है ना कार्तिक, 7 बजे के बज रहे थे और उन्हें 8 बजे ऑफिस पहुंचना था और वो नहा धो के निकले थे और बोले कि मैं ऑफिस में टाइम मिला तो कॉल करूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं। हम जब रात को बेड पे होंगे 12-1 बज रहे होंगे तब नहीं दोपहर का टाइम होगा तब उन्हें टाइम मिलेगा तो वो कॉल करेंगे। जैसे अभी 11 बज रहे हैं तो 2-3 घंटे बाद 12-1-2 ऐसे 3 बजेंगे जब हम अपने बेड पे होंगे। तो मैंने कहा कि चलो वहां पे वो दाल चावल बना रहे हैं तो हम यहाँ उनकी याद में शाही पनीर बना रहे हैं। आज शाही पनीर की आज तैयारी की है मैंने। सॉरी कि मैंने पूरी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि शाही पनीर बहुत कॉमन रेसिपी है और पहले भी मैं कई बार दिखा चुकी हूँ बर्थडे वगैरह में, और इन्होंने भी जो केशु के पापा इन्होंने अपनी स्पेशल रेसिपी भी शेयर की हुई है आप सभी के साथ। तो मैंने इसीलिए प्रिपरेशन के बीच में सोचा आप सभी से बात कर लूँ। यहाँ पे ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, काजू का पेस्ट है ये, जो कि मैंने सौते कर लिया था उसके बाद ठंडा करके पेस्ट बनाया है। और छोटी यहाँ इधर उधर करने में लगी हुई है। छोटी कैसी है? वो छोटी से आप बात कीजिए। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बड़ा वाला सबको थैंक यू। हाँ और आज हमने छोटी ने क्या किया वो भी छोटी बताएं। आज हमने रील बनाया, इनकी आईडी पे जाके देखेगा आप। आईडी बताओ इनकी, आईडी क्या है? अनीता ठाकुर 1032 ना, वहाँ जाके। और हम सभी ने, केशु, कार्तिक, मैंने और छोटे ने, हमने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रील्स बनाई है छोटी को लेके। तो वहां जाके प्लीज फॉलो कीजिए छोटी को, वहां पे भी बहुत सारा प्यार दीजिए और आप सभी हमेशा ही देते हैं। और सबकी शिकायत है कि मैं किसी को बोलने नहीं देती, तो मैं माफी चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी को सुनाने के लिए ही बोलती हूँ क्योंकि दो चार लोगों को अभी तो बोला आप बोलते हुए अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं छोटी से हमेशा कहती हूँ कि ब्लॉग चलता है तो तुम खूब बोला करो, तो कहती है दीदी आपका बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं सपोर्ट में हाँ हूँ करती रहूँ, है ना। और मम्मी की हेल्थ अब काफी ठीक है, वो चल फिर रही है आराम से, थोड़ा बहुत बाहर भी गई थी, आज फिर से डॉक्टर भी गई थी तो उन्होंने काफी रिकवरी बताई है, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी मामा जी को आप सभी वहाँ देख ही रहे हैं, अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं उनके आने में, अभी 2 हफ्ते बाकी है लग रहा है ना, कितने दिन हो गए उन्हें गए हुए, है ना बहुत। और सबसे ज्यादा तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि वो कितना सोना सोना लग रहा है उनके बिना, आइए मैं दिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए मेरा कमरा बिल्कुल खाली, बिस्तर खाली, ये देखिए इनका टेबल, नो सिस्टम, नो तामझाम, नो दवाई का डब्बा, नो पेन पेंसिल, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। वो गए तो वो जितना भी जरूरत का सामान था अपना सारा ले गए, और जो उनकी जरूरत का सामान यहाँ रखा रहता था उन सबको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ना कवर करके रख दिया, क्योंकि 15 डेज तक उस पर क्यों धूल होती रहेगी। ये टेबल अभी बच्चे यूज कर रहे हैं, कभी केशव पढ़ने बैठ जाता है, कभी कार्तिक पढ़ने बैठ जाते हैं, और बेड बिल्कुल ऐसे ही रहता है सारा दिन रूम खाली। तो मैं बताना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू केशव कार्तिक के पापा को कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, है ना। मैं मिस इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ना आदत हो गई थी उसकी कि शोर मत करो मीटिंग चल रही है, हल्ला मत करो मीटिंग चल रही है, तो वो हम मिस कर रहे हैं, ऑफिस वाला घर हमें आदत हो गई है। तो जल्दी से वापस आ जाइए अपने दिन पूरे करके, है ना, हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं आप सभी को। बाकी अभी आगे दिखाती हूँ हम और क्या क्या करेंगे। हेलो गाइज, तो छोटी कन्या के साथ किचन में पनीर वनीर बना के काम वाम फिनिश करके रात हो गई है और मैं आ गई हूँ मम्मी से।
आप सभी के कमेंट्स आए हैं कि आप सभी हम सभी से मिलना चाहते हैं, तो छोटी से मैंने मिलवा ही दिया है। बहुत दिन हो गया मिले हुए। हाँ, तो यूएस का ट्रिप आप लोगों का पूरा हो चुका है, आई थिंक आप लोगों का मन भर गया है। यूएस नहीं पसंद है, देख लीजिए। तो मैंने मम्मी से यही कहा कि अब सब जो है हमें 4 दिन बाद ही हमें मिस करने लगे हैं, तो हम भी जो है व्लॉग में आ जाते हैं फाइनली। तो मम्मी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें अपने बेटे को वहाँ देख के, खुश देख के, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान बहुत करे अच्छा लग रहा है, अच्छे से आया है, अच्छे से आ जाए। बस यही मनोकामना है, आप लोग भी दुआ कीजिए बढ़िया बढ़िया से घर पहुँच जाए। बहुत अच्छा लगता है, आप सभी एकदम परिवार की तरह जो है उन्हें मैसेजेस करते हैं कि हाँ, सब गाइड करते रहते हैं। यहाँ पापा भी हैं, खाना फिनिश कर चुके हैं और हम सभी जो है व्लॉग के जरिए उनको देखते हैं कि नहीं चीज़ से हो, कोई चीज़ वो भी पता नहीं जो उसमें भी कहीं उस है क्या है। हाँ, क्योंकि वहाँ के रूल्स ही बिल्कुल अलग है, सड़कों पे चलना, वाहन चलाना, सब कुछ, एक गाड़ी का हॉर्न नहीं बजती है। हाँ, वहाँ हॉर्न बजाना फाइन है, आप दबा दीजिए गाड़ी, जहीं कहीं रुक जाएगी आप पटना। दो लोगों को भी वो सब है, आप सभी ने ये जो मम्मी जो भी बातें कर रही है ना, ये सभी आपने ऑलरेडी ब्लॉग में देखा ही है कि वो सब बता रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने ये सोचा था कि जब तक वो वहाँ रहेंगे हम सभी वहाँ का ही देखेंगे और इसी बहाने हम भी उनको यहाँ देख पाएंगे। हम वापस तो यही आना ही है, लेकिन वही है कि आप सभी भी फैमिली हैं, तो आप सभी चाहते हैं कि हम भी आप सभी से जो है रूबरू होते रहें, मिलते रहें। और छोटी से भी आप सभी को बहुत ज़्यादा लगाव है, तो छोटी को आप लोग देखना चाहते हैं, तो अभी मैं छोटी को भी फिर से बुला लेती हूँ, है ना? और केशव और कार्तिक भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि कब पापा का ब्लॉग आएगा, कब हम लोग देखेंगे। ये लोग जो है वहाँ की फॉरेन की कार्स वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। चकोर भी आते हैं, फ्री होके खाना खाते हैं, तो मामा जी का व्लॉग देखते हैं, मामा जी ठीक है कैसे हैं, तो उसी के जरिए हम जो है उनके साथ टच में हैं बिल्कुल। और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, तो हमने सोचा चलिए ठीक है, आपकी डिमांड पे ही हम टिके हुए हैं, आप हैं तो ही हम हैं, क्यों मम्मी? तो जैसा आपका मन वैसा हम लोग कर लेते हैं। कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट से ही हम लोग जो है आगे की वीडियोस जो है डिसाइड करते हैं कि जैसा आपका मन है हम उस टाइप की वीडियोस बनाएंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी तो काम चलेगा, ऐसे कैसे होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, सही बात है। और केशव आप भी आ जाओ, आ जाओ, आगे आगे देखिए, हमारे घर में खुशी आने वाली है, भगवान करे इस महीना के अंत तक, अगले महीना तक खुशी आ जाए हमारे घर में। 2 अक्टूबर को खुशी है मना। ये केशव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 अक्टूबर जो है हमारे देवर जी का जन्मदिन है होता है, तो इन्हें बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता क्या टाइम पीरियड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना टाइम है, वो तो भगवान को पता है, है ना? तो बच्चे तो ये चाहते हैं कि एक स्पेशल डे है ही, तो उसी में ही बेबी भी आ जाए, तो पापा और बेबी का बर्थडे इकट्ठे मनेगा, ऐसा तो ऐसा अब नहीं हो सकता है। टाइमिंग जो सर्जरी कराते हैं ना, वो करा लेते हैं, पर हमारी तो वही भगवान की कृपा, आप सभी का आशीर्वाद, हम सभी बड़ों का साथ छोटी का, कि वो एकदम अच्छे से नॉर्मल हैं, तो हम लोग जो है ये सी सेक्शन का सपने में भी नहीं सोच रहे हैं, हमारे ख्याल में भी नहीं आता और हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ, मेरे दो दो हुए हैं, मुझे पता है कि शरीर आगे आने वाले, उस समय तो बहुत केयर हुआ, परेशानी हो जाती है उसमें सब, बहुत सबके लिए परेशानी। अभी आप देख ही रहे हैं साक्षी का, दीदी को 2 महीने हो गए हैं साक्षी के साथ, अभी भी वीकनेस नहीं जा रही है, वो बच्चे को अकेले हैंडल नहीं कर सकती है। तो मेरे 2 सी सेक्शन हुए, तो 1.5 महीने तक एक केशव जो है वो मायके में हुए, 1.5 महीने वहाँ हेल्प सेवा हुई, फिर मैं आ गई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पूरा हुआ केयर, कार्तिक के टाइम पे भी 2-2.5 महीने लग जाते हैं रिकवरी में, और अगर फैमिली ना हो तो बहुत मुश्किल है। फैमिली के साथ तो भले ही छोटी के साथ फैमिली है, पड़ी थी फिर भी कर करा के मैं सब कुछ थी, बहुत ज्यादा ही लगता था, पता नहीं जान है नहीं। तो फैमिली को भी और जिसका सी सेक्शन होता है उनको भी बहुत है और करना पड़ता है। और अब जो एज है मेरी, अब जो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब जो 2-4 प्रॉब्लम्स होती हैं वो उस टाइम को सोच के लगता है कि वो जो सी सेक्शन हुआ था उसकी वजह से हो रहा है शायद। तो इस वजह से भगवान से हम सभी के लिए, जितनी भी लेडीज हैं, जो भी हमारे ब्लॉग में भी कमेंट आता है, और भी हमारी फैमिलीज हैं उसमें जो 2-3 लेडीज हैं जो गुड न्यूज देने वाली हैं, उनको भी बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। आप सभी भी अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, और बिल्कुल घरेलू रहिए, बिल्कुल हर चीज में एकदम एक्टिव रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और एक्टिव रहिए। सबसे पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, एक्टिव। मेरा क्या काम था,
एक्टिव आपको भी देखेंगे ना सब सब कहते हैं बच्चों को भी दिखाओ नानी मामी सबको भी हाँ सब मिस करते हैं ना आप सभी को। अब कार्तिक सो गए हैं तो इस वजह से मैं नहीं ले बुला रही हूँ, बाकी छोटी है कि वो बुआ आए हैं अभी दुकान से तो उनको खाना वाना दे रही है। कोई ऐसा टॉपिक छेड़ता जिसमें मेरा कोई काम होता मैं भी बोल पाता? हाँ तो कोई नहीं, आप बोल लो, आप बोल लो बेटा। मैं बोलना चाहता हूँ इस ब्लॉग के जरिए कि पापा प्लीज़ जितनी भी गाड़ी दीजिए सबके साथ फोटो खींचिए। तो एडिटिंग तो आपके पापा ही करेंगे है ना, तो ये डिमांड आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। क्या है वो भी सबसे ज्यादा तो दिन और रात का। अभी अभी गोलू ने टाइम दिखाया वहाँ पे दिन के 1:50 और अभी 2:10 हो रहे होंगे अभी वहाँ दिन का। तो पहले वो ऑफिस में है अभी, जब हम हमने सुबह बात करी थी तो रात के 10:30 हो रहे होते हैं। दोपहर में जब बात करी थी तो हम तो वो क्या कर रहे थे अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। दोपहर का टाइम नहीं था, शाम का जब चाची माम वो आई थी दादी आई थी है ना। ठीक है फिर तो ये हो गई हमारी बातचीत आप सभी के लिए, हम सभी व्लॉग में आ गए हैं कि कार्तिक शायद नहीं मिला है आपसे तो फिर से एक व्लॉग बना दूंगी मैं, ये व्लॉग लंबा हो जाएगा इसको यहीं पे एंड कर देती हूँ है ना। और हम भी आते रहेंगे और वो भी आते रहेंगे, अल्टरनेट डे पे हम जो है ऐसा करते हैं कि एक दिन हम उनको देखेंगे और एक दिन आप सभी हमें देखिएगा, इस तरीके से हम व्लॉग डालेंगे मेंटेन करेंगे आगे है ना। तब तक के लिए बाय बाय बाय, राधे राधे।